नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न जो है आपका बहुपद के घात और शून्यक का है, बहुपद के घात और शून्यक का है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में बहुपद से। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी बहुपद में चार का घात इनमें से कौन होगा, किसी बहुपद में चार का घात इनमें से कौन होगा। तो सुनिए दोस्तों ध्यान से, किसी भी बहुपद के चर का घात हमेशा घन पूर्णांक होता है, घन पूर्णांक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक है, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक है। तो एक्स क्यू का शून्यांक जो है कि शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्यांक है शून्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घात दो के बहुपद को कहते हैं, घात दो के बहुपद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, द्विघात होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है, जिसका कि दो घात होगा वह क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, घात एक के बहुपद को कहते हैं, घात एक के बहुपद को कहते हैं तो रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, रैखिक बहुपद कहते हैं। हमेशा एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं क्योंकि इसके मात्र एक ही शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? एक ही निकलता है, इसलिए इसे एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहा जाता है और द्विघात वाले को द्विघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात यानी कि तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है। तो आप देख रहे हैं यहां पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दो घात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये क्या हो जाएगा? द्विघात है। और ये ऑप्शन जो है कि ए जो है कि क्या है, एक एक त्रिपद बहुपद है। ये क्या है? एक जो है कि तीन पद वाला बहुपद है। और तीसरा क्या है? त्रिघात है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दो होगा। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या दो होती है। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस दो में बहुपद के घात है। तो एक एक द्विघात बहुपद है, इसका घात क्या है? दो है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल सही है, क्योंकि दो घात है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा और ये घात कितना हो जाएगा इसका? दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है क्या एक्स पे पावर एक बटे दो माइनस दो एक्स एक बहुपद है। तो सुनिए,
क्योंकि इसमें जो है कि x पे पावर 1/2 माइनस 2x यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसके घात भिन्न के रूप में है, बहुपद के घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के घात होंगे। तो आप देख रहे हैं घात कितना है, इस पे ऊपर 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है, अतः इनके घात 3 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शून्य बहुपद होगा। अगर किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य के बराबर हो तो बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स के शून्यक की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, n ही होगा। घात n वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या n होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, n ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घात 3 के बहुपद को कहते हैं, घात 3 के बहुपद को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का कहलाता है, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। इस प्रकार चर का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान ज्ञात होता है, तो बहुपद में क्या मतलब मान ही ज्ञात होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में चर का घात 1 होता है, अतः 1 प्लस एक्स एक रैखिक बहुपद है। अगला प्रश्न है, शून्य बहुपद का घात है, शून्य बहुपद का घात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य बहुपद का घात है अपरिभाषित, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अगला प्रश्न है, 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे, तो बहुपद के घात क्या हो जाएगा, जो शुरू में है वही उसी का घात पकड़ते हैं, तो कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में 4 का घात 1 होता है, अतः 2x-5 एक रैखिक बहुपद है,
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के शून्यांक की संख्या है, शून्यांक की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि दो होगा, दो, ऑप्शन ए सही है। द्विघात बहुपद का शून्यांक दो होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी में शून्यांक का मान है, तो शून्यांक का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि इसका मान होगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपका सी सही है, माइनस ओचर पद बटे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो देखिए कैसे होगा, जैसे ए एक्स बराबर प्लस बी बराबर कर देंगे इधर जीरो, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर माइनस बी, फिर क्या होगा एक्स यानी कि इसका ये गुणांक है तो बराबर क्या जाएगा माइनस बी बटे ए जाएगा बी, और नीचे एक्स का गुणांक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो ए बी सी में चर का घात पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही है, डी, डी ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ए बी सी बहुपद है लेकिन डी ऑप्शन जो दिया गया है बहुपद नहीं है, इसके चर का मान व्युत्क्रमा है यानी कि व्युत्क्रमा में है, व्युत्क्रमा मतलब उल्टा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद चार प्लस थ्री एक्स का घात इनमें से कौन होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, इस बहुपद का घात एक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दो के शून्यांक है, तो इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा जीरो प्लस दो, क्योंकि बराबर का उस तरफ ले गए तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो एक्स एक्स सॉरी स्क्वायर था तो स्क्वायर सब पे रखिए, स्क्वायर सब पे रखिए, स्क्वायर सब पे रखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका दो। तो दोस्तों जब आप स्क्वायर को इस तरफ यानी कि एक्स बराबर जब स्क्वायर को इस तरफ करिएगा तो ये प्लस माइनस में आएगा रूट अंडर दो, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, तो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बहुपद का एक शून्यक दो हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन होगा, अगर किसी बहुपद का एक शून्यक दो हो तो बहुपद का एक गुणनखंड होगा यानी कितना गुणनखंड हो जाएगा एक्स प्लस दो सॉरी एक्स माइनस दो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्स माइनस दो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
रैखिक बहुपद का शून्यंक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यंक होता है तो केवल एक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है, तो घात कितना हो जाएगा इसका, यानी कि द्विघात बहुपद है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 हो जाएगा। यह द्विघात बहुपद है अतः इसका घात जो है 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बहुपद y² - 6y + 8 के घात है, तो यह भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, y² (1/y+3) = क्या होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनेगा, अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² / y इसके फिर 3 के साथ गुना होगा यानी कि 3y² आ जाएगा। तो यहां देखिए ऊपर में 2 वो y है क्योंकि स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा और एक नीचे का कट जाएगा पूरा, तो आपका क्या बच जाएगा, y + 3y² बच जाएगा, y + 3y² बच जाएगा, तो आपका कहां है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न उसी तरह से है, x² + 2x = क्या होगा, तो देखिए इसको यहां से गुना करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, तब x² अंदर में है और एक x यहां से 3x हो जाएगा यानी कि x पे पावर 3 हो जाएगा यानी कि हो जाएगा प्लस, फिर ये x 2 उतर जाएगा, फिर x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² तो आपका कितना आ गया, 3x³ + 2x² तो कहां है आपका, तो ऑप्शन नंबर एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है त्रिघात बहुपद का सबसे व्याकाप रूप है, तो त्रिघात बहुपद का व्याकाप रूप होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, ax³ + bx² + cx + d ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक होंगे, तो इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा, तो देखिए क्या दिया गया है, x² - 3 पूछा गया है शून्यंक, तो बराबर में 0, तो x² = 0 का इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 0 में 3 जुड़ जाएगा तो x² = 3 आ जाएगा। तो जब दोस्तों अब x² = क्या है, 3 है, तो अब ये स्क्वायर को बराबर का उस तरफ ले जाइएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए ये द्विघात बहुपद में यानी इसका सही मायने जब स्क्वायर इस तरफ करते हैं तो प्लस और माइनस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर आएगा स्क्वायर तो रूट हो जाएगा यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कहां है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही हो जाएगा।